हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू अप्लाई फेक नेल्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे फेक नेल्स अप्लाई किए हुए हैं और ये फेक नेल्स मैंने मंगाए थे अमेजोन से, वो ये है। इसमें आपको बहुत सारे पेयर्स मिल जाते हैं आपके नेल्स के अकॉर्डिंग। आपके नेल्स के जो भी साइज़ हैं वो इसमें अवेलेबल होते हैं, तो आप इनमें से कोई भी चूज़ करके आप अप्लाई कर सकते हैं अपने नेल्स में। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने फेक नेल्स अप्लाई किए हुए हैं और ये काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और ये नेल्स जो है वो और काफ़ी लंबे थे, तो इनको मैंने कट कर दिए हैं क्योंकि कम्फर्टेबल नहीं लग रहे थे मुझे, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया है। और अगर आप चाहें तो इनको, इनकी लेंथ जो है वो लंबी रख सकते हैं। सो गाइस, चलिए देखते हैं कि ये नेल्स मैंने कैसे अप्लाई किया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इस बॉक्स की पैकेजिंग दिखा देती हूँ। पैकेजिंग बहुत अच्छी है और हर एक शेप के इसमें आपको मिल जाएंगी नेल्स। अपने शेप के अकॉर्डिंग आप इसको चूज़ करके लगा सकते हैं और इसमें ग्लू नहीं मिलता है। और आपको लेना है नेल पेंट और नेल पेंट रिमूवर, अगर आपने नेल पेंट लगाए हुए तो, क्योंकि सबसे पहले इसको रिमूव करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई भी फेक नेल्स अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले नेल पेंट रिमूव कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं नेल पेंट रिमूव करूँगी और यहाँ पे नेल पेंट रिमूवर मैं हिलेरी रोडा का यूज़ कर रही हूँ और इससे मैं नेल पेंट को रिमूव कर लूँगी। फिर मैं लूँगी नेल्स के बॉक्स में और उसमें जो भी मेरे नेल्स के अकॉर्डिंग जो भी साइज़ होगा उसको मैं चूज़ करूँगी। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं सबसे लास्ट वाले नेल से स्टार्ट कर रही हूँ। और आपको ये देखना है कि आपके नेल के साइज़ का होना बहुत ज़रूरी है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के होते हैं। तो ये पहला मैंने सेलेक्ट कर लिया है, अब मैं दूसरा वाला सेलेक्ट करूँगी। और आपको ये देखना है, आपको अपने नेल के शेप जो होते हैं उससे थोड़े बड़े चल जाएंगे, लेकिन छोटे आप नहीं लीजिएगा वरना वो अच्छा नहीं दिखेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप फेक नेल्स अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले अपने सारे फिंगर्स के नेल्स की साइज़ की जो फेक नेल्स हैं वो एक साइड में रख लीजिए सेलेक्ट करके, ताकि आपको लगाने में ईजी हो। अब मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करके रख लिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और चीज़ आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप फेक नेल्स अप्लाई करते हैं तो अपने ओरिजिनल नेल्स जो हैं उन्हें ट्रिम ज़रूर कर लीजिए अगर वो थोड़े से भी लंबे हैं, वरना वो अच्छे नहीं दिखेंगे। फेक नेल्स के अंदर से जब भी आपके बड़े नेल्स दिखेंगे तो वो गंदे दिखेंगे, तो इसलिए आप उनको ट्रिम ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं ट्रिम कर ले रही हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप फाइलर ले लीजिए। मेरे पास फाइलर नहीं है तो मैं यहाँ पे नेल कटर का फाइलर यूज़ करूँगी और थोड़े थोड़े आप अपने नेल्स के ऊपर रब कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी आप नेल्स ग्लू अप्लाई करेंगे तो नेल्स अच्छे से स्टिक होंगे उस पर। यहाँ पे मैंने सारे नेल्स को फाइल कर लिया है। फिर गाइस, आपको लेना है नेल ग्लू। तो यहाँ पे मैंने पॉलीफिक्स का नेल ग्लू लिया है, ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था। और इस बॉक्स के साथ आपको कोई नेल ग्लू फ्री नहीं मिलता है, ये सिर्फ आपको नेल्स मिलते हैं इसमें, और इसलिए मैंने इसको अलग से परचेज़ किया है। तो आप भी अगर चाहें तो अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और इसके ब्रिसल्स जो हैं वो बिल्कुल जैसे हम नेल पेंट अप्लाई करते हैं वैसा ही है बिल्कुल। इसको लगाना बहुत ईजी है। चलिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। पहला नेल मैं अप्लाई करूँगी यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको जैसे नेल पेंट यूज़ करते हो वैसे ही आपको अपने फिंगर नेल्स के ऊपर अप्लाई कर लेना है। बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको अप्लाई करना है और इसके बाद आप अपने जो भी आपने नेल सेलेक्ट करके रखे हैं जो भी साइज़ के, वो नेल्स आपको इसमें स्टिक करने हैं। और आपको 30 सेकेंड तक इसको प्रेस करके रखना है। तो देखिए, मैं यहाँ पर लगा रही हूँ नेल्स को और इसको आप 30 सेकेंड तक प्रेस करके रखें ताकि वो स्टिक जो है अच्छे से हो जाए और ये आपके नेल्स जो हैं वो निकले ना। और ये नेल्स आपके 1 वीक तक इजीली चल जाते हैं अगर आप इनको गर्म पानी में या जब तक डिप नहीं करेंगे तब तक ये नहीं निकलेंगे। तो ऐसे ही मैं सेकेंड वाला भी अप्लाई कर लूँगी। तो ऐसे ही आपको ग्लू लगाना है और नेल को स्टिक करके आपको 30 या 40 सेकेंड तक इसको प्रेस करके रखना है। तो चलिए, मैं ऐसे ही सारे नेल्स अप्लाई कर लेती हूँ और आप ये देख सकते हो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो गाइस, हमने सारा नेल अप्लाई कर लिया है, ये हमारा लास्ट वाला नेल है जो मैं अप्लाई कर रही हूँ। आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा के, क्योंकि मैंने इसको फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था और आप देख सकते हो मैंने ये अप्लाई कर लिया है। और
आप चाहे तो इसको ट्रिम भी कर सकते हैं, मैंने थोड़ा थोड़ा इसको ट्रिम कर लिया था। और अगर इसके ऊपर आप नेल पेंट लगाते हो तो बिल्कुल ओरिजिनल नेल की तरह दिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने नेल पेंट आपको दिखा रही हूँ, ये दो नेल पेंट मैंने लिए हुए हैं, तो इसमें से मैं सोच रही हूँ ये ब्लू वाला लगा लूँ, तो ये मैं ब्लू वाला लगाऊंगी। तो चलिए मैं नेल पेंट लगा के दिखाती हूँ आपको कि कैसा दिखता है। और गाइस जैसा कि आप देख सकते हो कि इस नेल्स को मैंने थोड़े थोड़े ट्रिम कर लिए हैं क्योंकि मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था बहुत ज़्यादा लंबे नेल्स, इसलिए मैंने इसको ट्रिम कर लिए। सो गाइज ऐसे ही नेल पेंट मैं अपने सारे नेल्स पे अप्लाई कर लूँगी। और अगर आप ये नेल्स ख़रीदना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे, तो आप मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें अगर आपको ख़रीदना है ये नेल्स। तो सो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने नेल पेंट अप्लाई कर लिया है अपने फेक नेल्स पे, और आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि ये कैसा लगता है, लग रहा है। और जिनको नेल्स, बड़े नेल्स का शौक़ है या जिनको बड़े नेल्स पसंद है उनको डेफिनेटली ये पसंद आ रहा होगा। और अगर मैं बात करूँ इस नेल्स की, फेक नेल्स की, तो ये क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। एंड फ्रेंड्स ये जो फेक नेल्स हैं वो प्लास्टिक के बने हुए हैं और इसके अंदर थोड़ा सा रबर का भी टच है जिसकी वजह से ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है और टूटता नहीं है। इसके ऊपर नेल पेंट जो है वो काफ़ी ईजिली ग्लाइड हो जाता है। यहाँ पे मैंने फेक नेल्स अप्लाई कर लिए हैं, अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो आप इसको इमीडिएटली लगा सकते हैं। और ये नेल्स आपके 1 वीक तक चल जाएंगे अगर आप इसको निकालेंगे। अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो आपको इसको, इन नेल्स को गर्म पानी के अंदर डिप करना है, अपने ऐसे फिंगर को गर्म पानी दे दीजिए हल्का लूकवॉर्म, और आप इसको ऐसे थोड़ी देर डिप करके रखिए और ये आराम से आपके निकल जाएंगे नेल्स। सो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आती रहूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।